अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ब्रेड पोटैटो सैंडविचेस। इसके लिए हमने चार आलू ले लिए, इन्हें बॉईल कर ली, फिर इसके छिलके उतार लिए। अब इसके साथ हम 6 से 8 अदद स्लाइस ले लेंगे और इसके साइडों से किनारे काट लेंगे। और 1 अदद हम अंडा लेंगे फ्राई करने के लिए। हरी मिर्ची हम इसमें यूज़ करेंगे 2 अदद बारीक और अदरक थोड़ा सा टुकड़ा। चाट मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्ची 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया जो है 1 टीस्पून और जीरा जो है वो 1 टीस्पून। और हम बॉयल जो पोटैटो हैं उनको हम मैश कर लेंगे। अब इसके बाद हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और जीरा डाल के हल्का सा कड़कड़ाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे और जो हमने अदरक थोड़ा सा लिया था वो हम इसमें अदरक भी ऐड कर लेंगे। और इसको हल्का सा भून के फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम जो है पहले हम इसके हमने हल्का सा भून लें, फिर इसके बाद इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे। ये देखिए अब हम इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं, हल्दी ऐड करी और इसके बाद भी हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची और चाट मसाला, उसमें हम हल्का सा पानी ऐड करके हम इसमें मिला देंगे। अब हम इसे चम्मच से हिला देंगे। ये देखिए हमने मिला लिया, अब इसे हम चम्मच से हिला लेंगे। चम्मच से हिलाने के बाद इसके बाद हम इसके अंदर जो है हमने जो बॉयल जो है पोटैटो करके रखे थे मैश करके हम वो इसमें ऐड कर देंगे। ये हाँ, इसे जरा सा भून लें, फिर इसके बाद इसके अंदर हम जो है वो बॉयल पोटैटो ऐड कर लेंगे। ये देखिए हमने ये इसमें मिला लिए। अब इसमें हम चम्मच से अच्छी तरह मिलाएंगे ताकि ये तमाम मसाले जो है आलू में मिक्स हो जाए। ये देखिए हमने चम्मच से अच्छी तरह मिला लिया। अब ये मसाले जो है वो आलू मसाले एक जान हो गए हैं। अब इसके बाद हम जो स्लाइस लेंगे, स्लाइस के जो है हम पहले ये जो आलू का हमारा बैटर है हम पूरे स्लाइस पे लगा लेंगे। आप अच्छा लगाइएगा, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा ताकि ये है कि खाली स्लाइस का जायका नहीं है, आपके आलू का जायका, जो मसाले वाले आलू आपने बना के रखे हैं इसका जायका भी स्लाइस में आए, आपके सैंडविच में अच्छे लगेंगे। आप जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना अच्छे लगेंगे। अब आप इसके बाद ये देखें हमने लगा दिया इसके अंदर आलू लगा दिए अच्छी तरह से। अब इसी तरह हम जो है वो अलग अलग स्लाइस में ये लगाते जाएंगे। ये देखें हमने एक और स्लाइस में लगा दिया। इस तरह हमने 3 स्लाइस तैयार कर ली और जो हमारी एक स्लाइस अलग से बच गई थी उसके अंदर भी हमने 1/2 स्लाइस में ये लगा दिया था मसाला, ठीक है। अब ये देखें दूसरी स्लाइस उसके ऊपर हम रख के हम इसको सैंडविच की शक्ल दे देंगे। ये हमने सैंडविच की शक्ल दे दी। अब इसके बाद हम जो है इसके पीस कर लेंगे। 4-4 पीस में हमने एक एक इसको 4 पीसेस कर लिए। अब इसके बाद हमने अंडा लिया, फ्राई पैन में तेल गरम किया, अंडे में डिप करके और हम इसे फ्राई करेंगे। हम डीप फ्राई करेंगे और फिर हम इसे देखें हम इसका रंग आने तक, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, इसका रंग आने तक हम इसको तलेंगे। अब ये देखें अच्छी तरह तल लिया, इसका रंग भी अच्छा आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखें हाँ, हम आहिस्ता आहिस्ता निकाल लें, ध्यान रखें तेल ना आए इसमें। ये हमने अपने तमाम जो है सैंडविचेस निकाल लिए। देखिए ये तमाम सैंडविचेस हम आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल रहे हैं। अभी हमने अपने सैंडविचेस तमाम सैंडविचेस निकाल लिए। अब आप इसको केचप के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के बनते हैं।